अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टेलीविजन के ऊपर महाराष्ट्र पालघर के जो हुआ बहुत शर्मनाक हुआ, जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर पूरा एक डिबेट किया, उसे कम्युनल किया, उसे संप्रदाय किया, उसे धर्म से जोड़ दिया और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर जितनी अभद्रता वो कर सकते थे उन्होंने वो की। लोग चाहते थे कि पालघर महाराष्ट्र में तीन लोगों को, तीन इंसानों को एक भीड़ ने मार डाला, भीड़ ने तीन इंसानों को मार डाला। कानून को अपना काम करना चाहिए था और कानून अपना काम कर भी रहा है। लोग चाहते थे कि जो तीन इंसान मर रहे हैं उनमें इंसान से ज्यादा उनका धर्म पहले देखा जाए, उनके कपड़े देखे जाए और उनका धर्म देखा गया, उनका पहनावा देखा गया और उन्हें पहचाना गया कि वो हिंदू साधु संत हैं। लेकिन मारने वाले कौन है इस पे सोचे, उसकी जांच हो, उससे पहले जितने भी लोग थे वो उसे पूरी तरह सांप्रदायिक रंग देने, हिंदू मुस्लिम देने शुरू हो गए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना उन्हें मौका मिल गया था कि इस मौके से हाथ से नहीं जाना देना है। और उन्होंने बिना इसकी जांच हुए, बिना सच्चाई सामने आए हुए इस पे ये फसाद फैला दिया कि एक धर्म के लोगों ने भीड़ में शामिल होकर दूसरे धर्म के लोगों को मार डाला है। लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है, 101 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 101 लोग जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, वो उसी धर्म के हैं जिस धर्म के ये तीन लोग मार दिए गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 101 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मैं पूरी उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र सरकार बिना समय व्यर्थ किए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जी हां फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाए और 3 महीने से 6 महीने के अंदर इन सभी 101 लोग जो उसी सेम धर्म के हैं भीड़ बनकर मार दिया गया, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और होनी चाहिए और उम्मीद है ये कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार जरूर करेगी। अब बात आती है अर्नब गोस्वामी ने, बस जैसे ही पता लगा एक मौका हाथ में लगा है, उसे वो जाने नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक डिबेट बुलाई जिसमें साधु संत और हर एक को बुलाकर बैठा लिया और बिल्कुल एग्रेसिव होकर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी तक के ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आज सोनिया गांधी जी की उम्र 73 है, इस साल 74 साल की सोनिया गांधी जी पूरी हो जाएंगी। 1968 आज से 53 साल पहले हिंदुस्तान की वो बहू बनकर इस देश में आई थी। एक स्पीच है उनका जो आज बहुत वायरल हो रहा है क्योंकि बात सोनिया गांधी जी के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने उठाई है और मैं सभी से कहूंगी, बेटी बहू बनती है और जब बेटी बहू बनकर किसी के घर जाती है तो माँ और पिता उसे बताते हैं कि जिस दरवाजे पे तेरी डोली जा रही है उसी दरवाजे से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। अब हम नहीं, वही तेरे माँ बाप हैं, वही तेरा भाई बहन और तेरा नाम तक बदल दिया जाता है, पहचान बदल दी जाती है, सबसे पहला काम यही होता है। लेकिन सोनिया गांधी जी की एक स्पीच आपको मैं जरूर सुनाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट की है, सुनिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जाएगा क्योंकि अभी कुछ और बातें हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी के साथ मैंने बहुत करीबी से काम किया, मुझे नहीं मालूम बहुत कितने लोगों को श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ उठने बैठने का, बात और काम करने का मौका मिला है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं और बहुत बार महसूस करती हूं कि शायद उतने भारतीय, उतने भारत के रीति रिवाज संस्कार पहनावा शायद मुझे नहीं आता जितना हिंदुस्तान की संस्कृति में वो ढल गई है पूरी तरीके से। एक उनका भाषण है, भावुक करने वाला है, सुनाऊंगी, सुनिएगा जरूर। आई केम टू इंडिया इन 1968 एज द डॉटर इन लॉ ऑफ इंदिरा गांधी। आई हैव स्पेंट 48 ईयर्स ऑफ माय लाइफ इन इंडिया। दिस इज माय होम, दिस इज माय कंट्री। For all of my 48 years here, the RSS, BJP and other parties taunted me, to shame me for my birth. I was born to proud and honest parents. I will never be ashamed of them. Yes, I have relatives in Italy. I have a 93 years old mother and 2 sisters. But it is here, in my country, India, it is in its earth,
that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last. And it is here, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. The Prime Minister can sink to whichever depths he wishes to challenge my integrity, but he cannot take the truth away from my commitment and my love for India. My country, I cannot expect the Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of India, to understand these feelings, but I know, I am sure you will. आपने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को सुना, क्या कहा उन्होंने कि मैं इटली से भारत में भारत की बहू बनकर आई, और 48 साल जब वो भाषण दे रही थी तब 48 साल हुए थे, अभी तो 53 साल 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं इस देश में आई, इस देश की नागरिकता उन्होंने ली, और उन्होंने ये कहा इस देश में से अब मेरी जो लाइक अंतिम सांस है वो इसी हिंदुस्तान की धरती पर लेंगी। उन पे जितने भी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ बहादुर महिला हैं, बहुत से बात हम पर बहुत से बातें की जाती हैं, कीचड़ उछाला जाता है, अभद्र भाषा, हम विचलित हो जाते हैं, लगता है सब छोड़कर भाग जाएं, पर बहादुर महिला हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक बार नहीं बहुत बार उनके साथ में चुनौतियाँ आई। 1968 में जब वो भारत की बहू बनकर हिंदुस्तान में आई थी, शादी को भी 23 वर्ष भी नहीं हुए थे, जी हाँ 23 साल भी नहीं हुए थे। 1991 में श्री राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गए। उससे पहले 1984 में एक बहू के तौर पर सोनिया गांधी जी इंदिरा गांधी जी के साथ ही रह रही थी और उनकी पूरी देखभाल कर रही थी। जब भी राजीव जी बाहर जाते थे तो अधिकतर सोनिया गांधी जी इंदिरा गांधी जी के साथ रहती थी, और 1984 में जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर हमला हुआ जिसमें उनकी जान भी चली गई, तब उनके साथ कोई था तो श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। उन्हें अपनी गोद में लिया, अस्पताल की तरफ दौड़ी और वहां इंदिरा जी ने अंतिम सांस ली। डर गई थी सोनिया गांधी जी, इसमें कोई तो राय नहीं है, बहुत बातें होने लगी 1984 में, और सबसे ज्यादा संघ भाजपा के लोगों में एक उत्साह इस तरीके का था कि शायद अब, क्योंकि राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, और सोनिया जी कभी नहीं चाहती थी कि राजीव जी हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखे, खासतौर से 1984 इंदिरा जी के एसेसिनेशन हत्या के बाद। भाजपा में जश्न होना स्वाभाविक था, उनको लग रहा था कि उनकी राह का कांटा निकल गया है, लेकिन 1984 में इंदिरा जी के बाद राजीव जी को मनाया गया सोनिया जी के मना करने के बावजूद, क्योंकि उन्हें चिंता थी, उनके सामने उनके इंदिरा जी ने प्राण त्यागे थे और राजीव जी की भी जान को खतरा था, उनके परिवार को खतरा था, उन्हें ऐसा लगने लगा था, लेकिन पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और वो 1984 इंदिरा जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सोनिया जी ने साथ नहीं छोड़ा, पूरी अफवाहें फैला दी गई 1984 के बाद कि अब राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, सोनिया गांधी जी ने राजनीति में आने नहीं देना चाहती। अब राहुल जी की उम्र 14 साल थी और प्रियंका गांधी की उस समय उम्र 12 साल थी, ये अब देश छोड़कर, देश का सारा खजाना देश को लूट कर भाग जाएंगे, ये उस समय जो है अफवाहें फैलाई जाती थी संघ और भाजपा के द्वारा कि बदनाम किया जाए, नहीं ये भागने वाले हैं, लेकिन वो भागे नहीं। राजीव जी ने जिम्मेदारी ली देश की, बागडोर अपने हाथों में ली, और उसके बाद जो किया राजीव जी ने उसे सोनिया जी को भी देखकर गर्व होने लग गया कि युवाओं में जो है किसी सदी की बात करना, कंप्यूटराइजेशन का दौर लाना, पंचायती राज लाना, महिलाओं के लिए आरक्षण लाना, और बहुत सी क्रांतियां राजीव जी ने जब लानी शुरू की तो सोनिया गांधी जी का भी विश्वास जो है वो वापस आने लग गया और वो ताकत बनकर राजीव जी के साथ खड़ी होगी। पर कुछ ही साल में दूसरा टेन्योर मिलता, उससे पहले 1991 में राजीव जी भी इस दुनिया से चले गए। उस समय राहुल जी की उम्र लगभग 20 साल और प्रियंका जी की उम्र 18 साल रही होगी। फिर वही दोबारा अफवाहें फैलाई गई संघ भाजपा के, उनको लगा एक बार फिर उनके राह का कांटा निकल चुका है, और ये कहा गया कि अब ये सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर देश का खजाना लूट कर देश से भागने वाली है। फिर ये अफवाह फैलाई गई दूसरी 84 के बाद 91 में, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी जी ने इंदिरा जी और एकदम राजीव जी कुछ ही 7-8 साल के बीच में दो बड़े हादसे हुए, दो बड़ी शहादतें हुई, और जिससे वो स्वाभाविक है, एक माँ थी अकेली रह गई थी, डरना स्वाभाविक था। हिंदुस्तान की राजनीति किस तरफ जा रही थी, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान की राजनीति कांग्रेस से पूरी तरह से 1991 के बाद काट लिया और पूरी तरह अपनी घर गृहस्थी और भाजपा पूरे 7-8 साल तक संघ के लोग अफवाह फैलाते रहे कि ये भागेंगी जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है 1997 कांग्रेस प्लेनरी सेशन कलकत्ता में हुआ था, मैं उस समय लगभग 21 वर्ष की थी, पर NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस के छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और मैं भी कांग्रेस के उस प्लेनरी सेशन कलकत्ता के मंच पर थी जहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूरी कांग्रेस ने आह्वान कर आने के लिए आमंत्रित किया था। और श्रीमती सोनिया गांधी जी 1997 में कांग्रेस के मंच पर आई, वहां उन्होंने पहली बार 1991 के बाद 97 में पहली बार वो पब्लिक में आई और उन्होंने वहां पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया। 1998 मैं उस समय भी कांग्रेस के छात्र संगठन की NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। वो जो दौर था कि कांग्रेस बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी, संगठन का कुछ पता नहीं था, देश की सरकारों में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री जो है वो एक के बाद एक बदल रहे थे, अस्थिरता का दौर था। और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी से 1998 में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए कहा गया, क्योंकि देश के लिए कांग्रेस का एक रहना, कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी था और कांग्रेस को एक रखने का काम, मजबूत करने का काम और आगे ले जाने का काम अगर कोई कर सकता था तो वो श्रीमती सोनिया गांधी जी। ये कांग्रेस की एक विश्वास था। मैं उस दौर में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, इसलिए बहुत करीबी से उस सारे घटनाक्रम को मैं देख रही थी। और सोनिया गांधी जी ने उस समय मान लिया, तैयार हो गई कि मैं कांग्रेस की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, बट चुनाव के माध्यम से। लोगों ने कहा चुनाव की जरूरत नहीं है, आप बस कांग्रेस की अध्यक्ष पद ले लीजिए, लेकिन उन्होंने चुनाव के माध्यम से कांग्रेस का पहली बार 1999 के अंदर कांग्रेस की 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने का फैसला किया और चुनाव हुआ, कांग्रेस के भीतर चुनाव हुआ। और जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के सामने नामांकन दाखिल किया, चुनाव हुआ कांग्रेस के अंदर और श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनकर आई। लेकिन जितिन प्रसाद जी का क्या हुआ, सोनिया गांधी जी की एक खुली सोच का ही नतीजा था कि उन्होंने कहा जतिन प्रसाद जी आपके पास एक लंबा अनुभव है कांग्रेस की, आपने सेवा की है, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मेरी टीम में रहेंगे, सोनिया गांधी जी ने कहा। और जतिन प्रसाद जी ने इसे माना और कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी बनी और जतिन प्रसाद जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के चुने गए। 99 का चुनाव आ गया, अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास था कि आपको चुन, कांग्रेस का तो अध्यक्ष का चुनाव आपने लड़ा, चुनकर आई, आपको लोगों ने मत वोट दिया, जिताया, अब आपको देश का भी चुनाव लड़ना चाहिए। चाहिए तो अपर हाउस में वो रह सकती थी राज्यसभा से, लेकिन नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ना चुना और अमेठी से 1991 का पहला चुनाव लड़ने के लिए गई। तब क्या हुआ, क्या रास्ता आसान था सोनिया गांधी जी के लिए? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। 1991 में जब उन्होंने पहला 1999 में जब पहला चुनाव अमेठी से नामांकन दाखिल किया तो दूसरा नामांकन उन्होंने कर्नाटक के बल्लेरी से भी फाइल किया। ये पहला चुनाव था श्रीमती सोनिया गांधी जी का। फिर संघ और भाजपा को लगा 84 में लगा था कांटा निकल गया, नहीं निकला। 1991 में उनको लगा कि राजीव जी के जाने के बाद कांटा निकल गया, लेकिन कांटा नहीं निकल रहा था। अब सोनिया गांधी जी आ गई हैं, जो पूरी कांग्रेस को एक रखते हुए चुनाव के मैदान में खड़ी थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। और उस समय मैं याद करती हूँ स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भाजपा और संघ ने सोनिया गांधी जी के सामने खड़ा करने के लिए अपनी सबसे कद्दावर नेता श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को चुना। सुषमा स्वराज जी को लगा अमेठी तो शायद संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, लेकिन बल्लेरी से कर्नाटक से उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। और इस बात को उन्होंने कहा, अगर गूगल करेंगे कि अगर वो चुनाव हार जाती हैं, अगर सोनिया गांधी जी चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बन जाती हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था, तो वो अपना सर मंडवा देंगी और वो जमीन पर सोएंगी। बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि अगर वो चुनाव हारी तो वो अपना सर, सुषमा स्वराज जी ने कहा, सर मंडवा देंगी और जमीन पर सोएंगी। और नतीजा क्या आया, श्रीमती सोनिया गांधी जी 1999 का अमेठी और बल्लेरी कर्नाटका का चुनाव भारी बहुमत से जीत गई और सुषमा स्वराज जी भाजपा संघ की पूरी हार वहां पर हुई। ये चुनौतियां थी।
कांग्रेस के अंदर भी उनको चुनौती आई थी जब 1999 में चुनाव जीत कर आई, 1998 में अध्यक्ष बनी, तब शरद पवार जी और हमारी सांगमा जी तो रही नहीं अब दुनिया में, तारिक अनवर जी, इन लोगों ने काफी विरोध किया था, उन्हें लगता था सोनिया जी अध्यक्ष बन गई हैं तो सोनिया जी प्रधानमंत्री की भी दावेदारी करेंगी, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध के चलते क्योंकि सोनिया जी चुनकर आई थी, अध्यक्ष बनी थी, देश का चुनाव जीता था 1999 का उन्होंने दो जगहों से, उसके बाद पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता के तौर पर से देखते हुए तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया, और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। 99 की आपको मैंने बात बताई कि किस तरह से वो हरा कर आई, और नेता विपक्ष के तौर पर 1999 के चुनाव के बाद नेता विपक्ष के तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद के अंदर जिम्मेदारी संभाली, और 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सोनिया गांधी जी के साथ जो संस्कारों की बात करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की बात करते हैं, बहू और बेटियों की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत तस्वीरें आपको सोनिया गांधी जी के साथ दिखेंगी कि कितना सम्मान करते थे वो एक एक महिला का, एक नेता के तौर पर, और कभी उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन पर जो है उंगली शायद कभी उठाई। अगर आप तस्वीरें देखेंगे एल के अडवाणी जी हों आपके, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोनिया जी के साथ एक सम्मान था, लेकिन आज हर जितना स्तर नीचे गिर सकता है उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करिए क्योंकि काटा एक ही दिख रहा है। तस्वीरें हैं मेरे पास सोनिया जी की, ये किताब है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी और बड़े नेताओं के साथ सोनिया जी के कैसे संबंध रहे जब वो नेता विपक्ष थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कितना सम्मान था उन्हें। 1999 के बाद जो है अगला चुनाव 2004 का आया, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा ही नहीं गया, जीता गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हार गई और 2004 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब यहां पर देखना था कि कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये 2004 की बात कर रही जो भाजपा हार गिर कांग्रेस ने वापसी की थी। अब फैसला सोनिया गांधी जी को करना था, पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और ये वापसी उनकी वजह से संभव हुई है। 7 साल 8 साल के बाद वो वापसी हुई थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद, तो सोनिया जी को पदभार संभालना चाहिए, पर सोनिया गांधी जी ने भावुक एक भाषण दिया और सबकी बात को सुना और फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे किया। ये त्याग श्रीमती सोनिया गांधी जी में है, ये बलिदान इंदिरा जी और राजीव जी के बाद हिंदुस्तान के जमीन से जुड़े रहना और इस तरह के भाषण जो आपको मैंने शुरू में समझाए सुनाए हैं कि उन्होंने कहा है मुझे गर्व है अपने माता पिता के ऊपर जिन्होंने मुझे जन्म दिया। 1968 में मैं वहाँ से भारत बहू बनकर आई और आज मैं अपनी पूरी जिंदगी 53 साल मैंने दिए हैं और अब मेरी यहीं पर जो है मैं चाहती हूँ वो अंतिम सांस ले आ, 73 साल की हो चुकी हैं। ये त्याग, ये बलिदान, मैं सोनिया गांधी जी से मुझे नहीं मालूम मैंने कहा आप लोगों कितनी बार मिल चुके हैं। मैं 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली मैंने उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, बहुत करीब से उस दौर को देखा। 1998 में जब वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तब भी मैं NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मुझे बहुत बार मैं कह रही हूँ किस तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है, संस्कार क्या है, पहनावा खान पीन, इवन की हर चीज़ को लेकर उनकी रगों में वो चीज़ें बसी हुई थी और बहुत बार महसूस होता था उनके उनके पहनावे को देखकर कि हमसे ज़्यादा तो भारतीय ये हैं, हमसे ज़्यादा तो भारत के लिए एक दर्द, एक प्रेम, और जो जो आधा चीज़ें राजीव जी इंदिरा जी छोड़ गए हैं उसे इंदिरा जी इस देश के लिए आगे ले जाने का एक जज्बा रखती हैं। और इतने लांछन, इतनी बुरी अभद्र भाषा सुनने के बावजूद भी उनके पांव डगमगाए नहीं, आरोप लगते थे देश छोड़कर भाग जाएंगे, देश का खजाना लेकर भाग जाएंगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 7 चुनाव लड़े और सातों के सातों चुनाव आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी हारी नहीं है, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, बल्लेरी से चुनाव लड़ा हो, 99 का, 2004 का, 2008 का, 2014 का, 2019 तक का चुनाव सोनिया जी लड़ी, लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ी और जीतती आई। सलाम है इस महान महिला को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को। ये भाजपा के रास्ते का रोड़ा बन चुकी हैं, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं है। आदेश में किसकी सरकार है,
आज अगर कहीं हिंसा हो रही है या देश की सब चीजें बर्बाद हो रही हैं, मीडिया चीख रहा है, अर्णब गोस्वामी जैसे लोग चीख रहे हैं, तो दोषी कौन है? किसकी जिम्मेदारी, किसको कार्रवाई करनी है? नहीं, कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष, क्या वो देश की प्रधानमंत्री है? अगर उनकी कांग्रेस के गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये बिल्कुल शर्मसार हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। 101 लोग अरेस्ट कर लिए जा चुके हैं, और मैं मांग कर रही हूं कि बिल्कुल 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट करके इन्हें सजाएं मिलने चाहिए। ये सोनिया गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी जब यूपीए की नेता थी, प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, 2009 में जब दोबारा सरकार कांग्रेस का दोबारा 200 से 208 सीटें आई, तब भी मौका था, श्रीमती सोनिया गांधी जी को वापस कहा गया कि आप देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं, उन्होंने दोबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ही प्रधानमंत्री बनने को कहा। लेकिन यूपीए की नेता के तौर पर उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कानून लाने में पूरी ताकत लगाई, जो आया थी उन्होंने फूड सिक्योरिटी, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई, वो कानून लेकर आई, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लेकर आई कि ग्रामीणों को रोजगार मिलना है, ये यूपी की नेता के तौर पर। और न्यूक्लियर डील जैसे में मनमोहन सिंह जी के पीछे अगर कोई ताकत बनकर खड़ा था, जब लेफ्ट भी हट गई थी, तब श्रीमती सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने, क्या अमेरिका के सामने झुकेगा? नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे पूरी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ताकत बनकर खड़ी थी। श्रीमती सोनिया गांधी पहली कांग्रेस की ऐसी नेता है जिन्होंने 2 दशक पूरे किए हैं। बहुत से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन इतना बड़ा सर्वसम्मति से पूरी पार्टी को एक लेकर आगे चलने का अगर सबसे बड़ा कीर्तिमान किसी के नाम पर है, तो उस बहादुर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास है। मुझे याद है सीताराम येचुरी जी ने भी एक बार बात की थी, जब सोनिया जी ने राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी देने की बात की, तो उन्होंने कहा राहुल जी एक भविष्य के युवा नेता होते हैं जरूर, लेकिन पूरी यूपीए को अगर कोई एक रख सकता है, जो यूपीए का हिस्सा थे, घटक दल थे, बहुत बार होता था कि एक चुनौती आती थी कि सबको लेकर फैसले करके सरकार को आगे बढ़ना है, तो कहा जाता था, सीताराम येचुरी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि सोनिया गांधी जी उस गोंद का, उस गम का काम करती हैं जो सारे दलों को बांध कर रखती है। कांग्रेस को तो बांध कर रखा ही हुआ था उन्होंने, उन्हीं के नेतृत्व में 10 साल कांग्रेस ने एक शानदार सरकार चलाई, और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी से लेकर किसानों के लिए काम हुए, सूचना का अधिकार, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए। आज मैं आपको एक बात बता रही हूं, क्यों भाजपा संघ को सोनिया गांधी से डर लगता है, क्यों अर्णब गोस्वामी जैसे इनके गोदी मीडिया को चीख चीख कर अपना गुस्सा निकालना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की आज की तारीख में फिलहाल एकमात्र नेता है जो ना केवल पूरी कांग्रेस को एक सूत्र, एक धागे में बांध कर रखे हुए हैं, बल्कि उन्होंने 2004 से 2014 10 साल ये भी साबित कर दिया कि उसमें उनमें इतना सक्षम नेतृत्व है कि वो इतने सारे घटक दलों को एक साथ रखकर देश में एक कामयाब 2010 तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 सालों तक सरकार चला पाई। ये उनका क्षमता है, ये उनकी नेतृत्व है, व्यक्तिगत हमले हुए जो आज भी हो रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी, इनकी ये जो बौखलाहट है ना, इससे आपको खुश होना चाहिए, इशारा करता है कि ये डरे हुए हैं, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से डरे हुए हैं। वही महिला है जो इन्हें चुनौती देती है। एक और तस्वीर है, ये सोनिया गांधी जी की जो तस्वीर है, वो किताब है, इसमें वो फोटो शेयर की गई है जो अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ है उनकी, और मैं आपको जरूर ये किताब थोड़ा सा फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगी, आप देखिएगा कि राजनीति होती थी। ये देखिए श्रीमती सोनिया गांधी जी अडवाणी जी के साथ जब वो नेता विपक्ष थी, इस तरह के संबंध हुआ करते थे। ये शरद पवार जी के साथ है, ये 1999 में वो पहला अपना नामांकन दाखिल कर रही थी उस समय है। यहां आप देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता विपक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जी को बुलाकर बातचीत की जाती थी। यहां पर भी आप देखिएगा, ये इंदिरा गांधी जी का, माफी चाहूंगी, राजीव जी के फ्यूनरल का तस्वीरें हैं। इसमें मैं आपको ये देखिए,
ये एक शानदार तस्वीर है देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब देश के प्रधानमंत्री थे, नेता विपक्ष सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता था, बात की जाती थी, सम्मान दिया जाता था, जो शायद आज के भाजपा संघ के प्रधानमंत्री कहें, गृह मंत्री कहें, नेताओं को देना नहीं आता है। बौखलाहट है, डर है। क्यों मोदी जी को, और मैं कहूंगी अमित शाह को, सोनिया गांधी जी पसंद नहीं है, ये देखिएगा। रिमूव नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धर्म, राजधर्म यूं ही नहीं समझाया था। ये 2002 का पार्लियामेंट में धरने पर श्रीमती सोनिया गांधी जी बैठी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को उनका राजधर्म समझाने की कोशिश की थी। देख रहे हैं आप सभी लोग, सो मैं आप सभी से कहूंगी, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार का त्याग और बलिदान, उनका साहसिक नेतृत्व, उनका अडिग रहना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा और संघ को, संघ के नेताओं को, गोदी मीडिया को बार बार विचलित करता है और मैं इससे एक शुभ संकेत के तौर पर देख रही हूं। कांग्रेस का त्याग, कांग्रेस का बलिदान और गांधी परिवार ही एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा धागा है जो कांग्रेस को एक रखते हुए देश के घटक दलों को, जो कांग्रेस की, गांधी की विचारधारा पर यकीन करते हैं, उनको एक रखते हुए, देश को एक रखते हुए तरक्की और उन्नति पर आगे ले जा सकता है और आज की सरकार को चुनौती दे सकता है, जो मात्र धर्म के नाम पर नफरत, जहर पूरा जो है बर्बाद करके सिर्फ अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहता है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, 2000 के करीब लोगों ने कम से कम, मुझे मालूम नहीं कितनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप लगातार मुझे सुन रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप कांग्रेस के वो सिपाही हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ और उसकी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा है। इस कांग्रेस का गांधी परिवार हो, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का साथ हो, मत छोड़िएगा, क्योंकि देश का भविष्य अगर किसी के भी हाथ में सुरक्षित है तो हाथ कांग्रेस का हाथ है। और गांधी परिवार से इनका यूं डरना, कभी प्रियंका गांधी जी पर हमला, कभी राहुल गांधी जी पर हमला, कभी सोनिया गांधी जी पर हमला, ये इनकी मात्र बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि वो इन्हीं से डरते हैं, क्योंकि यही वो गांधी परिवार और लोग हैं गांधी परिवार के जो पूरी कांग्रेस को एक सूत्र में बांध कर लगातार इस देश की लड़ाई को, चाहे गरीब की हो, किसान की हो, बेरोजगारी की हो, अर्थव्यवस्था की हो, से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगी, अर्णब गोस्वामी अरेस्ट, अर्णब गोस्वामी का हैशटैग ट्विटर पे चलाया जा रहा है और मैं बिल्कुल कहूंगी ऐसे लोगों की दुकानें जो हैं, रिपब्लिक टीवी, अर्णब गोस्वामी जो जहर, नफरत और देश को इस तरीके से जो है नफरत में झोंक रहे हैं, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहे, इन्होंने जो सोनिया गांधी जी पर अर्णब गोस्वामी जी ने कहा है, अर्णब गोस्वामी ने कहा है, माफी चाहूंगी जी निकल गया क्योंकि वही संस्कार कभी कभी छलक जाते हैं। फिर वो कह रही हूं, ये व्यक्ति की बात नहीं, ये देश की बात है, देश को एक रखने की बात है। आज हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं लेकिन उस कोरोना वायरस पीछे छूट गया ऐसा लग रहा है, उस लड़ाई में टेस्टिंग का पता ही नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन पूरा सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं, कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, सारा फ्रस्ट्रेशन श्रीमती सोनिया गांधी जी पर उतारा जा रहा है। मुझे गर्व है कि मुझे याद है 2007 में, 1997 में तो जब वो प्राथमिक सदस्यता सोनिया गांधी जी ने ली थी, 98 में कांग्रेस की अध्यक्ष पहली बार वो बनकर आई थी, तब मैं एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, इसलिए बहुत बार किस्मत वाली हूँ कि सोनिया गांधी जी के साथ काम करने का, उनके साथ बात करने का, मिलने का मुझे बहुत बार मौका मिला। और 2007 में मुझे याद है जब सोनिया गांधी जी ने अपनी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की टीम का गठन किया था, उस समय 2007 की कांग्रेस कमेटी का जब गठन किया और राहुल गांधी जी पहली बार सक्रिय राजनीति में कांग्रेस के महासचिव बनकर आए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठी थी और यकीन नहीं कर रही थी कि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऐलान करते हुए मुझे उसमें जगह दी और 2007 में दिल्ली से मैं अकेली महिला कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर सोनिया जी के टीम में
उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और 2000 लगभग 11 तक लगातार मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ उनकी टीम में राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के तौर पर काम किया। उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनको संघर्ष करते हुए, उनसे बहुत बार निराश होते थे, हताश होते थे, राजनीति छोड़ने को करता था, तो उनकी तरफ देखते थे कि उन्होंने जितना सुना है, झेला है, सहा है और इतना कुछ उनके सामने हो गया, फिर भी वो डटी रही, छोड़ा नहीं उन्होंने, और हम फिर एक बार हिम्मत मिलती थी और आगे बढ़ जाते थे। तो मैं उन भाग्यशाली में से हूँ जो सोनिया गांधी जी को बहुत करीबी से जानते हैं और उनके लास्ट सब शब्द हमारे कानों में रहेंगे कि इस देश की मैं बहू बनकर आई हूँ, जिस दरवाजे से हिंदुस्तान की संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म कहता है कि इस दरवाजे में डोली आई है, अर्थी भी वहीं सूटेगी। और सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरी अंतिम सांस, आज 74 साल की हैं, 53 साल उनको हिंदुस्तान में आए हुए हो गए हैं, संघ उन्हें कभी नहीं अपनाएगा, हमें परवाह भी नहीं है संघ कितना महिला विरोधी है। ये जब बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू एक्ट लेकर आए थे पार्लियामेंट में शुरू में कि महिलाओं को उनका संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होना चाहिए, पुरुष बहुत शादियां कर सकते हैं, ये उस समय था, उसको हटाने की बात कर रहे थे, तो संघ को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी कि नहीं, आप सनातन धर्म और हिंदू का ये एक्ट लाकर आप हिंदू विरोधी हैं। नहीं नहीं, वो हिंदू विरोधी नहीं थे, वो महिलाओं के लिए थे, पंडित नेहरू और अंबेडकर, लेकिन महिला विरोधी कोई था तो ये संघ था। इन्हें मंजूर नहीं था कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार मिले, या महिलाएं जो है विधवा भी अगर हो जाएगी तो उसे दूसरी शादी का अधिकार ये लोग नहीं देना चाहते थे, यानी कि वो जिंदगी भर इसी तरह मर जाए। तो ये संघ की सोच वहां से यहां तक आई, इसलिए कोई हैरान होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक बार फिर से श्रीमती सोनिया गांधी जी के जज्बे को सलाम करती हूँ और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को कहूंगी, डटे रहिए, खड़े रहिए श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को एक रखते हुए, समान विचारधारा की पार्टियों को एक रखते हुए, इस देश को एक रखते हुए आगे बुलंदियों पर ले जा सकती हैं। 74 साल की है, मैं उनकी लंबी और स्वस्थ आयु के लिए कामना करती हूँ कि वो बिल्कुल इसी तरह स्वस्थ रहे, कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथों में रहे और वो इसी तरह हमें मार्गदर्शन देती रहे ताकि हम देश की समस्याओं से लड़ते हुए, इस देश को एक रखते हुए आगे ले सके। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगी, खासतौर से कांग्रेस के समर्पित सिपाहियों से, अपने साथियों से, कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि लोग आज बहुत डिमोरलाइज हैं कि क्यों अर्णब गोस्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर या पालघर महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता फैलाई, उसे रस्ट करना चाहिए। नकारात्मक को छोड़िए और अपनी सकारात्मकता, अपनी पॉजिटिविटी को आगे लाइए। बहुत अच्छाइयां हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। यूं ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को नेता विपक्ष के तौर पर बुला बुला कर उनसे राय नहीं लिया करते थे, इसलिए लिया करते थे कि उन्हें मालूम था कि सबसे लंबा समय अगर किसी ने इस देश को चलाया है, इस देश को चलाने का अनुभव है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अगर किसी के पास क्षमता ताकत है, वो कांग्रेस के पास है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री होते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी को, नेताओं को लगातार बुलाकर राय मशवरा करते रहते थे। तो वो अनुभव है कांग्रेस पर। आज की सरकार को डर लगता है बात करने से, उन्हें डर लगता है बात करने से कि उनकी सत्ता हाथ से ना चली जाए। समझ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जाते जाते एक बार वीडियो शेयर जरूर करिएगा, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता तक ये पूरी सोनिया जी के त्याग और बलिदान की कहानी पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि हम एक रहे, हम विचलित ना हो। और लास्ट, घरों में रहिए, परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए, मेरी शुभकामनाएं है। कोशिश करूंगी आपसे दोबारा जुड़ूंगी, 1500 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।